गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर चुके हैं पिछले टॉपिक में और उसके आगे पढ़ेंगे वॉन्ट हर फैक्टर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो बच्चों आपने पढ़ी थी उसको एक बार मैं रिपीट करा दूं, क्योंकि वॉन्ट हर फैक्टर उसी पर ही अप्लाई होता है। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ले रहे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे जो डिसोसिएट नहीं होते थे। अब वॉन्ट हर फैक्टर एक इसीलिए आया है कि इलेक्ट्रोलाइट लें तब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किस तरह से करें। तो चलिए पहले देखते हैं, आज हेडिंग लगाइए वॉन्ट हर फैक्टर जो हमें पढ़ना है। वॉन्ट हर फैक्टर, इसमें हम लोग सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी आपकी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू ज़ाई ए का मतलब यहाँ पर था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हम लोग कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है ना, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको एन से डिनोट करते थे। यहां मैं पूरा लिख दिया है तो आप इसको एन ए ही लिख देंगे तो भी काम चलेगा। एन एन ए अपॉन एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये जाई ए की वैल्यू ऐसे निकालते थे। ये था आपका रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। दूसरी हम लोगों ने पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोगों ने पढ़ी थी बच्चों वो थी के इंटू एम। एम यहां पर मोलैरिटी था और मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते थे। वो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। ये पढ़ा, ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि तो आगे इससे रिलेट कर सकूं, इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी अभी, इसीलिए बता रही हूं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको जब हमने पढ़ा ये भी मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा था। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो मोलैरिटी तो वही हो गई, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी जिसको पाई से डिनोट करते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर था एम आर और टी के बराबर। एम यहां पर मोलैरिटी था, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते थे। यह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर। तो ये चार प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ कर आए। इसमें जहां पर भी हमने सॉल्यूट लिए ये सारे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। अगर आप याद करें तो सॉल्यूट में हम लोग हमेशा यूरिया लेते थे, NH2CO, NH2, ग्लूकोज लेते थे और केन शुगर लिया है हम लोगों ने, ऐसे लेते थे जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, जो कि सॉल्वेंट पे जाने पर ना टूटे। तो उनका जब वो टूट ही नहीं रहे हैं तो वो एक ही मॉलिक्यूल में जितना मॉलिक्यूल लेते थे उतना ही मॉलिक्यूल उसमें रहता था, वो डिसोसिएट होता ही नहीं था, ठीक। ये हमने
जितने भी लिए थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए थे। अब जब हम चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ना तो इनमें डिसोसिएशन हुआ है और ना एसोसिएशन हुआ है, नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन, ना तो टूटे और ना ही किसी और से जुड़े, जैसे थे वैसे ही सिंगल रहे। अब जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, मान लीजिए NaCl लेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा भी, Na प्लस और Cl माइनस। इसी प्रकार से और भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो टूटेंगे, और इनमें अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो 100% डिसोसिएशन होगा। कुछ केस ऐसे होंगे जिनमें 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते थे हम लोग, याद होगा आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो वहां अल्फा पार्ट डिसोसिएट होता था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना सिखाया था मैंने, याद आया? तो ये उससे करेंगे। तो ये वो है इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपने पार्ट में टूटेंगे, टूटेंगे भी और जुड़ेंगे भी, डिसोसिएट भी होंगे। ये तो मैंने डिसोसिएशन का केस दिखाया आपने आपको कि हाँ ये टूट रहे हैं एच प्लस माइनस में, एसोसिएट भी हो सकते हैं बच्चों। तो डिसोसिएशन का केस भी है और एसोसिएशन का केस भी है। तो इनको डिफाइन करने के लिए कि ये इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूट के रूप में इस्तेमाल करें, अभी तक तो सॉल्यूट के रूप में हम इनको यूज कर रहे थे जिनमें ना डिसोसिएशन था ना एसोसिएशन था। अब जब हम इनको इस्तेमाल करें सॉल्यूट के रूप में, तब हमको एक फैक्टर की जरूरत पड़ी जिसको पॉन्टॉफ ने बताया। तो शुरू करें टॉपिक, यहाँ तक समझ में आ गया हमको क्यों आवश्यकता पड़ी? अच्छी बात है, इसको बिगाड़ लेते हैं और हम लोग डालते हैं आप बॉन्टहॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, सिंबल इसका क्या होता है, स्मॉल आई। सिंबल है इसका स्मॉल आई, ठीक। तो बॉन्टहॉफ फैक्टर जो है आपका, जो ये बॉन्टहॉफ फैक्टर है आपका बच्चों, इसको लिखते हैं I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बॉन्टहॉफ फैक्टर जो आपका बच्चों आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस When I is increases, जब number of moles increase करेंगे तो calculated colligative property increase करेंगे, है ना? और जो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करें और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो ऑब्जर्व है वो डिक्रीज करेगी, तो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी और ऑब्जर्व डिक्रीज करेगी। ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिक्रीज करेगी, मतलब एक तो हम कैलकुलेशन से निकालते हैं और एक हम निकालते हैं कि हाँ एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया। तो आई है नंबर ऑफ मोल्स अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपकी इंक्रीज करेगी और ये डिक्रीज करेगी, मतलब सीधी सीधी बात में अगर हम समझे तो आई हमारा है क्या कि कितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जितने गुना पार्टिकल बढ़ रहे हैं तो आई उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितने गुना पार्टिकल घट रहे हैं आई उतना ज्यादा डिक्रीज करेगा। सिंपल बात यह है कि कितने गुना पार्टिकल आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं मल्टीप्ल में, उतने ही हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो आई क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर
मतलब रिएक्शन होने के बाद आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसकी रिएक्शन दो तरह से होंगी बच्चों, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन, स्लैश बना के एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर रिएक्शन से पहले, बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो ये आई डिनोट करता है, थोड़ा सा बड़ा लिखो आई, आई बराबर है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन स्लैश एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक, अब ये क्या चीज है इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम जो केस ले रहे हैं, सबसे पहले केस लेंगे डिसोसिएशन के, दो कंडीशन देखेंगे डिसोसिएशन एसोसिएशन, तो सबसे पहले हम लोग जो केस लेंगे वो लेंगे डिसोसिएशन का, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन का जो केस लेंगे इसमें सबसे पहला केस लेंगे जिसमें 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अभी हम वो केस कंसीडर कर रहे हैं जहां 100% डिसोसिएशन है, अगर नहीं भी है तो हम मान के चलेंगे कि ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। ठीक, तो इस केस में सबसे पहले एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl का, Na प्लस और Cl माइनस 100% डिसोसिएट हुआ इनिशियल टाइम पे जब हमने ये लिया, जब 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें इक्विलिब्रियम पे तो है नहीं कि इनिशियल टाइम पे लिया, फिर इक्विलिब्रियम के बाद भी जो है ये बचा रहा, यहाँ पर इसका वन मोल है, डिसोसिएट होने के बाद एक इसका बना एक इसका बना, 100% डिसोसिएट हो गए इसका बचने का सवाल नहीं उठता है। तो हमारे उसमें क्या है, आई बराबर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आफ्टर डिसोसिएशन वन प्लस वन, तो आफ्टर डिसोसिएशन पे हम लिख दें 1 + 1 आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन कितना था एक, तो आई बराबर क्या होगा 2। ठीक, कितना आ गया 2 आंसर आ गया आई का। ठीक, इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लें हम लोग, ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं जिससे कि हम लोगों को क्वेश्चन करने में भी आसानी रहेगी क्योंकि अभी आपको याद नहीं होगा, इसी फॉर्मूले पर आधारित हमको करना है। चलिए एक एक ये पहला केस लिया, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं MgCl2। अब इसको लिया, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 100% डिसोसिएशन, हम मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएट हो रहा होगा, यहाँ पर इसका MgCl2 लिया, यहाँ Mg2+ Cl के दो मॉलिक्यूल, इसका हमने जब रिएक्शन स्टार्ट की एक मोल बना था और इसका एक मोल बना और इसका दो मोल बने, दो मिल रहे ना, तो हमने शुरुआत में तो एक लिया बिफोर डिसोसिएशन आफ्टर डिसोसिएशन लिया है, अगर आई निकाले यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन का केस है, यहाँ पे 2+1 3 और यहाँ पर कितना है बिफोर डिसोसिएशन एक है, तो आई कितना आ गया बच्चों 3। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। चलिए एक केस और कर ले, एक केस और कर ले, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। तीसरा केस एक और एग्जांपल ले लो, ये Al2SO4O3 डिसोसिएट हुआ, यहां पे भी कंडीशन क्या है 100% डिसोसिएट हो रहा है, क्या बनेंगे
या थ्री प्लस लिख देते बात वही थी, और थ्री एसओ फोर। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल थे, इसके दो बने और इसके तीन बने। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, तो आई बराबर क्या हुआ आफ्टर डिसोसिएशन थ्री प्लस टू, बिफोर डिसोसिएशन वन, थ्री टू फाइव अपॉन वन। आई की वैल्यू क्या है फाइव, आई की वैल्यू क्या है फाइव आई। तो यहाँ हमने क्या देखा, ऑब्जर्व सीपी जो है, जो हम सोचते हैं कि एक है तो एक ही बनेगा या दो बने, ऑब्जर्व सीपी यहाँ पर कैलकुलेटेड से हमेशा कम आ रही है। सीपी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जितने भी एग्जाम्पल देख लें वहां पे यही हो रहा है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमेशा कम आ रही है। किससे कम आ रही है, कैलकुलेटेड से, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक, समझ में आ रहा है। ये मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल कराए, अगर एक एग्जाम्पल और करना चाहें आप एक और कर लो। अब इसको आप अपने आप करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और अपने आप करेंगे 30 सेकंड में। के फोर एफ ई सी एन सिक्स टूट कर क्या बनेगा, फोर के प्लस प्लस एफ ई सी एन सिक्स एफ ई सॉरी एफ ई सी एन सिक्स पे ऊपर माइनस चार्ज लगा दीजिए। कितना चार्ज लगेंगे, चार पोटेशियम के हैं माइनस के। अब इसको करिए फटाफट, इसको करिए आप लोग वीडियो पॉज करके। मैं कर रही हूं यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन एक था, यहाँ पे चार इसके हैं एक इसके हैं। आई अगर निकालेंगे आफ्टर डिसोसिएशन फोर प्लस वन, बिफोर डिसोसिएशन एक, फाइव अपॉन फाइव। क्लियर हो गया है, ये तो 100% डिसोसिएशन का केस है। अभी हम निकालेंगे जहां पर 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ये केसेस कौन से थे जहां पर 100% डिसोसिएशन हो रहा है। ये केस क्लियर हो गया बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट केस करें। अब हम लोग वो फॉर्मूला तो यही रहेगा, फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, है ना, आपने इतने सारे एग्जांपल कर लिए हैं तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब हम लोग करते हैं वो केस जहां पर 100% जो है डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, मतलब हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी पड़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, ये फॉर्मूला हमको यूज ही करना है, अभी आपको याद तो हो गया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, चलिए वही अपना सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। हम मान रहे हैं कि 100% डिसोसिएट नहीं हुआ, 90 भी हुआ तो 10% तो डिसोसिएट नहीं हुआ ना, तो हम इसको ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझने में आसान है। ठीक, जब हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा था तो देखा था कि अगर पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है तो जितना डिसोसिएट होता है उसको लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन में ये मान लें, इनिशियल कंडीशन में सर एक मोल लिया था और तब ये जीरो था। ठीक, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया मतलब जितना इसको टूटना था ये टूट के वापस बनना शुरू हुआ, तो एट इक्विलिब्रियम हमने माना कि इसके अल्फा पार्टिकल टूट के बने हैं, तो ये वन माइनस अल्फा, जब एक मोल बनता तो ये एक मोल बनते, जब इसके अल्फा पार्टिकल टूट के बने हैं तो इसके कितने बन जाएंगे, अल्फा अल्फा। ठीक, ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक, अब हमें अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो बच्चों, जो पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे थे
तो आफ्टर डिसोसिएशन, अब आफ्टर डिसोसिएशन में पूरे पूरे ये नहीं बने, ये भी तो है साथ में जो बच गया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको याद हो चुका है तो फॉर्मूला हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, अब हम लोग न्यूमेरिकल कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आई बराबर वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है ना, यही तो है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन, बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1 थे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा से प्लस अल्फा कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा, आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा। अगर हमें इसको ये चेक करना हो कि अगर हम ये मान लें कि अल्फा बराबर 1 है, अगर हम ये मान लें कि अल्फा बराबर 1 है, इसको अगर मैं चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है, तो मान लें अल्फा बराबर 1 है ना, तो अल्फा की वैल्यू वहाँ 1 प्लस 1 देखो तो 2 आती है। यही बात सच भी है कि अगर NaCl एक मॉलिक्यूल टूटता है, अगर 100% एसोसिएट होता तो 1 प्लस 1 2 आई निकलता, इसका मतलब जो हमने ये निकाला सही निकला है, हमने आंसर को तुरंत तुरंत चेक भी कर लिया। ठीक, चलिए एक और केस लेते हैं, ये तो पहला केस हो गया, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं MgCl। पहला केस हमने लिया था जब 100% डिसोसिएशन हो रहा था, अब 100% डिसोसिएशन नहीं है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, MgCl2 यहाँ पे टूट रहा है, Mg प्लस 2Cl-। ठीक, इनिशियल में देखें तो इसका 1 मोल था और ये जीरो बन रहा था। आफ्टर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया तो क्या हुआ बच्चों, इसके अल्फा मोल यहां पर बने, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हुए, अल्फा मोल बने। जब इसके अल्फा मोल बने, 1 में से अल्फा मोल बन रहे हैं, तो यहां पर कितने बनेंगे, अल्फा और इसके 2 अल्फा, क्योंकि 2 मोल बन रहे हैं इसके। ठीक, अब आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन क्या आया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन क्या था, 1 था, तो यहाँ 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा में से अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। अच्छा, अब आंसर चेक करना हो तो अल्फा को हम 1 मान ले, अगर आंसर चेक 1 प्लस 2 अल्फा वैल्यू आई है, यहाँ पर देखिए 3 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू 1 रख दें, 2 × 1 करके देखिए तो 3 ही बन जाए, और यहाँ पे 3 ही बनने थे, तो हमारा आंसर भी चेक हो गया कि नहीं, हमने सही निकाला है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये अगर क्लियर हो गया तो ऐसे ही हम लोग प्राइमर के लिए भी, हमने जैसे डाइमर के लिए निकाला है, ऐसे डाइमर के लिए निकाला है, ऐसे हम लोग प्राइमर के लिए भी निकाल सकते हैं, है ना, टेट्रामर के लिए भी निकाल सकते हैं, जो भी कोई ले लीजिए, इस प्रकार से आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक केस हम लोग ले लेते हैं, ट्राइमर। अब ट्राइमर में मॉलिक्यूल कोई नॉर्मल AlCl3 भी ले सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लो 3x ले रहे हैं। ठीक, अभी हमने ये 3x मॉलिक्यूल लिया और इसको करके देखते हैं डिसोसिएशन में क्या होता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, अब हम लोग उसका एक फॉर्मूला को पहले वो कर लें, जो जनरल फॉर्मूला इसका है कि यूज किया जाता है, जो जनरल फॉर्मूला वो करके देख लें।
जो किताबों में दिया रहता है, क्योंकि मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया है वो किताबों वाला नहीं बताया कि आप कॉन्सेप्ट से कर पाए उसको। आप किताबों में जो फॉर्मूला दिया है उसको देख लो, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही देखिए आंसर निकाल पाए। ये दिया हुआ है मतलब ए एन मॉलिक्यूल थे वो जाके एन ए बने। तो बिफोर अगर आई की वैल्यू हम मान ले कि यहाँ पर आई था तो आई माइनस वन इन्होंने दे दिया इसको, ठीक है। ये जो जनरल फॉर्मूला है इसमें इन्होंने कहा कि भाई पहले इनिशियल कंडीशन में वन था तो ये जीरो बना, ये कब है इनिशियल कंडीशन में। फिर इक्विलिब्रियम आया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हुआ, इसके अल्फा बन रहे हैं तो हम कह रहे हैं वन माइनस अल्फा, और इसके कितने बन जाएंगे, इसके भी बन जाएंगे अल्फा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा, यहाँ प्लस लगाने जरूरी नहीं है, प्लस अल्फा अपॉन इसके वन थे ये वन हो गया, ठीक। अब क्योंकि हमने एन मॉलिक्यूल लिए थे इसलिए ये एन अल्फा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है तो इसको एन अल्फा, अगर दो या तीन होते तो तीन का थ्री अल्फा लिख देते, पर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने एन नंबर तक लिया है उसको एन माइनस अल्फा लिख दिया है इन्होंने, तो आई माइनस वन इधर वन को इधर ले जाइए तो आई माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा, या अल्फा को कॉमन ले ले, ये दोनों में अल्फा है, अल्फा को ये हमने देखे कॉमन ले लिया है तो ये एन माइनस वन हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई माइनस वन अपॉन, क्लियर है। ये जनरल फॉर्मूला हमारी बुक्स में दिया रहता है और जिन्हें हम जिसके द्वारा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इक्वेशन से करते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए हम लोग उसी से कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। मान लो डायरेक्ट इक्वेशन तो हमने आपको बताई थी, मान लो कि एनएससीएल का जो एग्जाम्पल आपने लिए ही था ना, तो हम यही कह रहे थे कि भाई एनए प्लस सीएल में टूट रहा है दो मॉलिक्यूल में, और इस तरह से करके हम लोग कर रहे थे कि भाई इनिशियल कंडीशन में जीरो, यहाँ पर वन माइनस अल्फा है तो यहाँ अल्फा अल्फा, अब इन्होंने एन अल्फा ले लिया कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है, पोजिशन वही है, देखिए दोनों कंपेरिजन कर लीजिए आप, है ना। अगर आई निकालना है हमको तो हम क्या लेंगे, ये भी अल्फा है, अगर हमें आई निकालना हो तो वन माइनस अल्फा, जैसे इन्होंने लिया प्लस एन अल्फा, हमने अल्फा प्लस अल्फा जितने होंगे सभी को तो जोड़ना पड़ता है, इन दोनों को काट दिया तो नीचे वन ले लिया था तो हमारा वन प्लस अल्फा आ गया था, ठीक है, हमारा वन प्लस अल्फा आ गया था आई की वैल्यू, और इन्होंने इस तरह से सॉल्व कर लिया, ठीक। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिलेंगे आपको एक दूसरे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आज हमने केस देखा है डिसोसिएशन का, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग केस देखेंगे एसोसिएशन का। तब तक इसके जितने भी मार्कर मिले बच्चों लगा के रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको कभी भी वांट ऑफ फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैव अ नाइस डे बच्चों।